locked down, I have to take a bath. So let's do a transactional. Hi. Okay, तो so नहाने के बाद सबसे important चीज होती है वो है moisturizer. Same goat milk. I think I'm literally obsessed with goat milk. मतलब मुझे पता नहीं था goat milk कितने ज़्यादा फायदा होता है. मैं randomly search कर रही थी और yes. और शायद ये first product है goat milk का मैंने देखा शायद. और इसकी price मैं आपको बता देती हूँ. ये है 650 का और 300 ml. ये भी न्यूड का है और इसमें है गोट मिल्क, लेमन एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट, कोकोनट जेली, बहुत सारी ग्लिसरीन प्यूरीफाइड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. तो शायद मैंने फुल लगा लगा के इतना ख़त्म कर दिया ना, लिटरली मुझे शायद और मंगवाना पड़ेगा. मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसे. और आपको क्वेश्चन होगा मैं इसे बातों में क्यों रखती हूँ. तो फर्स्ट नहाने के बाद अगर अपना मॉइस्चराइजर डायरेक्टली अप्लाई करोगे, एक मिनट के अंदर आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही होता है. और अगर आप गीली सूखी बॉडी पर अप्लाई करोगे तो मॉइस्चराइजर बहुत कम लगेगा और आपको अच्छे से स्प्रेड भी होगा आपके स्किन पे और आपकी स्किन उसको ऑब्जर्व भी कर लेगी. सो आपकी स्किन ड्राई होने के चांसेस बहुत कम है. और मेरी स्किन आपको बताइए, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. हाँ, इस मैं इसे बॉडी पे भी लगाने वाली हूँ क्योंकि बॉडी पे भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है. और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को नरिश कर देगा. लिटरली पूरे दिन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा नरिश रहती है. अगर आपको ये भी बाय करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप बाय कर सकते हो. और मेरी ड्राइनेस की स्किन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे सारी ये कवर कर लेता है. सो बेस्ट पार्ट, अगर आपको खरीदना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. चलते हैं बाकी के रूटीन. तो सुबह उठते ही मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ क्योंकि रात भर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है. सो मैं एटलीस्ट ट्राई तो करती हूँ कि 2 ग्लास पानी पीऊँ. ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. बालों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है रात भर में. सो लेट्स कॉम माई हेयर. सो मैंने आपको बहुत बार बोला कि वुडन के कॉम से कॉम क्या करो. सो वुडन का कॉम इससे बाल बहुत कम झड़ते हैं और मैंने कटवा लिया था तो और भी कम झड़ेंगे. सो जिन लोगों को पता नहीं है, मैंने अपने बाल बॉब कट करवा लिए थे लेकिन मेरे बाल का टेक्स्चर वेवी है इसलिए वो दिखते रही है. सो पीछे से वो छोटे हैं और आगे से लंबे हैं. अगर मैं उसे अच्छे से स्टाइल करूँगी तभी वो दिखते. सो हमें कहीं भी नहीं जाना है और मैं घर पे हर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने बाल पर ही टांग के रखती हूँ. बाय द वे हमारे बालकनी में 3 गुलाब के फूल आए. लेट्स फोकस फोकस. 1, 2 and 3. ये बहुत पुराना हो चुका है. आई जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट. सो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं लेकिन अभी मेन काम पे आते हैं. मुझे अपने फैशन इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लोथ अपलोड करना है. प्लीज़ शायद अपलोड करूँगी आज. अगर आप फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो कर देना. हाय, मेरा अभी सब काम ख़त्म हो गया है. अब मैं खाना गर्म करूँगी और खाऊँगी. लेट्स तो मेरा खाना हो चुका है और अब समय एक बहुत अच्छी नींद का. खाना खाने के बाद मुझे 2-3 घंटे की नींद लगती ही है, नहीं तो मुझे पूरे दिन आलस आता है. इसलिए गुड नाइट. हाय गाइस, हमारी लाइट जा चुकी है. पिछले पता नहीं कितने घंटों से मैं सोई भी नहीं और शाम के 5 बज चुके हैं और मेरे फ़ोन की बैटरी भी हमेशा फुल रहती है लेकिन आज सिर्फ 15%. तो आगे का ब्लॉग कैसे शूट करने वाला है, मैं कैसे एडिट करने वाला हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. प्लस शाम को मेरे दोस्तों के साथ मीटिंग है. आई डोंट नो वे कब आएगा ब्लॉग क्योंकि हमारे यहाँ कुछ तो जल गया है. ओके, हमारे यहाँ कुछ तो जल गया. सो लाइट नहीं है और जल गया इसका मतलब कब आएगी उसका भी आइडिया नहीं है. सो इट्स 5:30 और गुड न्यूज़, हमारी लाइट आ चुकी है फाइनली. और इसी खुशी में चाय पी जाए. और मुझे चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद है इसलिए चाय की पार्टी. तो मेरा खाना वीना खा के हो चुका है, मेरे सब काम भी हो गए. अब मैं अपने बालों को अच्छे से मसाज कर रही हूँ क्योंकि आज ऑयलिंग का डे है. मैं हफ्ते में 2 बार तो ऑयलिंग करती ही हूँ. ये अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए हेयर रूट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. सो मुझे बेसिकली हेयर ऑयलिंग बहुत पसंद है क्योंकि मेरी
स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, और इसके बाद मैं अच्छे से एक चोटी बना के रख दूंगी, नहीं तो रात भर में हेयर्स बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। और अब चलते स्किन केयर के ऊपर। मैं वही न्यूड का गोट मिल्क का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन के सारे डर्ट, मैल, मिट्टी सब निकाल देता है और मेरी स्किन अच्छे से वॉश कर देता है। और अब हमें इसे पेट ड्राई कर लेना है, याद रखना बिल्कुल रगड़ना नहीं है, अच्छे से डैप डैप करना है। फिर न्यूड का मैं गोट मिल्क का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, यह अच्छे से आपको रात भर स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देगा।